Hi friends, welcome to our pilgrimage and temple series. आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के किनारे स्थित महाकाल की नगरी उज्जैन की। उज्जैन एक बहुत ही पौराणिक नगर है जिसका प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। कैलाश और काशी के साथ साथ उज्जैन की नगरी में भी महादेव का वास बताया जाता है। यहाँ भगवान शिव अपने 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर के रूप में विराजमान है। इसके अलावा भी उज्जैन में महादेव के लगभग 84 मंदिर स्थित हैं। पुराणों के अनुसार आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर से बढ़कर और कोई ज्योतिर्लिंग नहीं है। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को पृथ्वी का अधिपति भी माना जाता है। उज्जैन के रुद्र सागर सरोवर के किनारे स्थित महाकालेश्वर मंदिर एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। कहा जाता है कि यहाँ आकर भगवान शिव के दर्शन करने से अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। ये मंदिर पूरे भारत में भगवान शिव की भस्म आरती के लिए भी प्रसिद्ध है। महाकाल की भस्म आरती के पीछे ऐसी मान्यता है कि महाकाल शमशान के साधक हैं और भस्म ही उनका आभूषण और श्रृंगार है। कहा जाता है कि शिवजी पे चढ़ाए गए भस्म का प्रसाद ग्रहण करने से रोग दोष से मुक्ति मिल जाती है। इस मंदिर को देवी सती के 18 महाशक्ति पीठों के रूप में भी जाना जाता है। मंदिर से पश्चिम की ओर हर सिद्धि माता का मंदिर स्थित है जिसकी मान्यता है कि यहाँ देवी सती की कोनी गिरी थी। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचना में भी इस मंदिर की महिमा का वर्णन मिलता है। वैसे तो प्रतिदिन यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है लेकिन त्योहारों के समय श्रद्धालुओं की संख्या लाखों तक पहुँच जाती है। उज्जैन की शिप्रा नदी के किनारे हर 12 साल बाद लगने वाला कुंभ मेला यहाँ का महान स्नान पर्व है। इस महोत्सव पर देश विदेश से श्रद्धालु और अघोरी साधु लाखों की संख्या में इकट्ठा होते हैं। उज्जैन के मुख्य आकर्षणों में से एक श्री काल भैरव जी का मंदिर है जहाँ उन्हें कोतवाल भैरव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भैरव जी की प्रतिमा को एक बर्तन में शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है जो कि धीरे धीरे कुछ समय बाद अपने आप ही खाली हो जाता है। तांत्रिकों की देवी कालिका माता को समर्पित उज्जैन का गढ़ कालिका मंदिर भी हजारों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इनके अलावा बड़ा गणेश मंदिर, 24 खंबा मंदिर, गोपाल मंदिर, रामघाट, गोमती कुंड और ऐसे ही कई अन्य धार्मिक स्थल भी भक्तों में काफी प्रचलित हैं। यही कारण है कि उज्जैन को मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी भी कहा जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो मंदिरों की नगरी उज्जैन के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। सी यू सून।